Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, your faculty of audit for CA Inter and CA Final. So friend, आज के इस revisionary session में मैं आपको revise कराऊंगा SA 315. SA थोड़ा बड़ा है, but I will try my best कि 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं इस SA का complete revision आपको दे सकूं. और SA को बेहतर तरीके से revise करने के लिए जो screen पे आपको notes दिखाई दे रहे हैं ना, अगर इस चीज को बच्चे अगर आप माइंड में रखेंगे तो 315 अंक में कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज इस चीज को जरूर आप माइंड में रखिएगा इसको रिवाइज करते हुए. चलिए सर, एसए 315 किस में डील करता है? बेसिकली ये आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि ऑडिटर आप क्लाइंट के यहां पर जाइए और आप आइडेंटिफाई करिए, असेस करिए रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट. कैसे कैसे मैं रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करूं, कैसे मैं रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करूं, तो बेसिकली इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तीन बातों की. कौन कौन सी तीन बातें? एंटिटी, एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल. अब जो बात आती है सर, मैं एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को कैसे ऑब्टेन करूं? तो एसए 315 कहता है कि एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको ऑन एमआरपी की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए. सर व्हाट इज ऑन एमआरपी? For objectives and strategies of entity, including business risk, which may give rise risk of material misstatement, and is for nature of entity, including OFO, OFO investment, entity का ownership and governance structure, entity कैसे finance हुई है, entity में कैसे कैसे operations होते हैं, entity ने कहां कहां पर investment किया हुआ है और कहां कहां पर उनका investment करने का plan है. Now M is for measurement and review of entity's financial performance. आर से हम बात करते हैं तो एंटिटी का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा है, इनका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है. एनपी फॉर पॉलिसी, एंटिटी सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग एनी रिसेंट चेंज इन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अलोंग विद रीजन. तो अगर आप ऑन एमआरपी की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आपको एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को. तो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए एसए 315 में जो इंटरनल कंट्रोल के पांच कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आईसी रैम, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन करिए. तो अगर आप इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स होते हैं पांच कंपोनेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी फॉर कंट्रोल एनवायरमेंट, आर इज फॉर एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ए फॉर एक्टिविटीज कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड एम इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. अगर आप इन पांच कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो आपको कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और अल्टीमेटली जब आपको एंटिटी, उसके एनवायरमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो अब आप रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, असेस कर सकते हो. सर बात आती है कि अब यहां पर कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं. तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. तो इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है, उन्हें हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. दैट इज, दीज आर दोज ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एंटिटीज एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, सो दैट ऑडिटर में आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट असर्शन लेवल, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. और इसमें जो आपकी एक्टिविटीज आती हैं आरएपी के अंदर बच्चे, जो आपकी एक्टिविटीज आती हैं, दीज एक्टिविटीज आर ओएडा, ओ आई डी ए. ओ इज फॉर ऑब्जर्वेशन, आई फॉर इंक्वायरी, आई फॉर इंस्पेक्शन, डी फॉर डिस्कशन विद द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंड ए इज फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सर आरएमएम का मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो बेसिकली पहले यहां पर आप मिस स्टेटमेंट के मतलब को समझिए, और एसए 450 आपको मिस स्टेटमेंट के मीनिंग को डिफाइन करता है. एस पर एसए 450 मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसका प्रेजेंटेशन है और उसका डिस्क्लोजर है, जैसा कि एस पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए और जैसा कि एंटिटी ने किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, चार कीवर्ड है यहां पर, अगर इनमें जैसा आपने एफआरएफ, जैसा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया हुआ है और जैसा कि एस पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए, अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस है तो उसे कहा जाता है मिस स्टेटमेंट, जिसका कारण कोई फ्रॉड या एरर हो सकता है. और आरएमएम क्या है? आरएमएम इज अ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मैटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट.
आपको जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है, वो एक तो होता है assertion लेवल पर और एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। जब हम assertion लेवल की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन एंड जो इवेंट्स होती हैं उनकी assertions होती हैं OCAC, O for occurrence, C for completeness, A for accuracy, C for classification and cutoff। जब मैं account balances at the end of reporting period की assertions की बात करता हूं तो यहां पे assertions आती हैं आपकी ECRV, here E for existence, C for completeness and R is for right and obligation and V is for valuation and allocation। अगेन जब मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करता हूं तो यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहां कहां पर हो सकती है, वो कौन कौन सी असर्शंस हैं जहां पर पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांस आपके हो सकते हैं, तो दीज असर्शंस आर अगेन OCAC। अक्रेंस की बात की जाती है, कंप्लीटनेस की बात की जाती है, एक्यूरेसी की बात की जाती है, यहां पर क्लासिफिकेशन की बात इस जगह पर की जाती है। फिर इसी ऐसे में एक टर्म डिफाइन की गई है सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जहां पर आपको लगता है कि इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर आपको स्पेसिफिक ऑडिट कंसीडरेशन लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कहा जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क दैट इज दीज आर दोज आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट व्हिच एज पर द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मे रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। अब कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, ये सिंपली ऑडिटर आपका जजमेंट होगा। लेकिन SA 315 कहता है कि अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करते हुए कुछ कंसीडरेशंस जो SA 315 आपको बता रहा है उन कंसीडरेशंस को आपको फॉलो करना चाहिए, और टोटल 6 कंसीडरेशन SA 315 ने दी हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने की। उसमें पहली कंसीडरेशन आती है वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है जो आउटसाइड द नेचर ऑफ कोर्स ऑफ द बिजनेस और अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रही हैं रिलेटेड पार्टीज के साथ, कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है आपकी किसी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग प्रैक्टिस को लेकर या फिर कोई एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को लेकर, उसकी वजह से अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आता है तो उसको आप सिग्निफिकेंट रिस्क में उसको आप लेके चलिए, या फिर कोई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेजर करने को लेकर, जहां पे जजमेंट्स आपके ज्यादा आते हैं, assumptions जहां पे आपके ज्यादा आते हैं, तो उस जगह पर भी आपका अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई असेस होता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट रिस्क कहा जाता है। टोटल 6 कंसिडरेशन का बच्चे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे ले सकते हैं इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो assertions होती हैं आपकी ट्रांजेक्शन इवेंट की, अकाउंट बैलेंसेस की, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की, इसके ऊपर एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी छोटी सी एक वीडियो के अंदर एक SA 315 का एक अच्छा रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिला होगा। ऐसे ही यूजफुल रिवीजन सेशन देखने के लिए क्या काम करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बच्चे आपको प्रेस कर देना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।